खबर अमेरिका से, जहां पर प्रचंड गर्मी ने तांडव मचा के रखा है। अमेरिका के कई राज्यों में पारा 40 डिग्री के पास तक पहुंच गया है और इसी भीषण गर्मी के बीच अमेरिका से हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। दरअसल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का मोम का स्टैच्यू गर्मी के चलते पिघल गया, मोम की प्रतिमा का आकार बिगड़ गया। इस रिपोर्ट में आप देखिए, दुनिया का ताकतवर मुल्क अमेरिका इस वक्त प्रचंड गर्मी के प्रकोप से त्राही माम कर रहा है। अमेरिका के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के भी पार जा पहुंचा है। भीषण गर्मी के साथ साथ झुलसा देने वाली हीट वेव का कहर अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में देखने को मिल रहा है। आखिर प्रचंड गर्मी से अमेरिका में हालात कितने भयावह हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप वॉशिंगटन DC से सामने आई इस तस्वीर से लगा सकते हैं। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का मोम स्टैच्यू है जो भीषण गर्मी के चलते पिघल चुका है। 6 फीट ऊंची मोम की प्रतिमा का आकार पूरी तरह से बिगड़ गया है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में नॉर्थ वेस्ट वॉशिंगटन के एक स्कूल परिसर के बाहर लिंकन की मोम की मूर्ति स्थापित की गई, लेकिन अब वॉशिंगटन DC के प्राइमरी स्कूल में लगी मोम की मूर्ति गर्मी की वजह से पिघलने लगी है। मूर्ति का सिर भी पिघल गया, पैर धड़ से अलग हो गए। अमेरिका के महान नेताओं में गिने जाने वाले लिंकन का स्टैच्यू करीब 3000 पौंड मतलब 1400 किलो वजनी था। इसे सेफ मोम के जरिए तैयार किया गया था, लेकिन भीषण गर्मी के चलते पूर्व राष्ट्रपति लिंकन की प्रतिमा पिघल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।